Não, que não é. हेलो नमस्ते जय श्री राम गुड मॉर्निंग हर हर महादेव। तो कैसे आप सभी, होप आप सभी मस्त होंगे, मज़े कर होंगे और फिर से मनाली का अपडेट का वेट कर रहे होंगे आप। आज मैं फिर से वहीं खड़ा हूँ रायसन में, जहाँ तक अभी वॉल्वो आ रही है दिल्ली चंडीगढ़ से, जितनी भी सारी बसें वहाँ तक आ रही है। और यहीं पर मेन मेजर प्रॉब्लम थी मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर, जहाँ पर रोड टूटा हुआ था। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही तीव्र गति से कार्य हुआ है। मैंने बोला ही था कल वाली वीडियो में कि शाम तक ये क्लियर कर देंगे। लगभग पूरा मलबा भर के रोड तैयार है, खाली रोलर लगना है। शायद आज तक, आज शाम तक या कल सुबह तक रोड क्लियर हो जाएगा तो डायरेक्ट वॉल्वो मनाली पहुंच पाएगी। तो आज वाली वीडियो भी आपके लिए स्पेशल होने वाली है। इसमें हम रोड अपडेट, वेदर अपडेट और बहुत सारे लोग सोल जाना चाहते हैं, सोल का अपडेट लेना चाहते थे। इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे, आपको दिखाएंगे रोड में किस तरह कार्य चला है और कहाँ कहाँ पर रोड क्रैक हुआ है। अभी तक यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जा रही, अभी यहाँ पर कार्य हो रहा है तो शायद आज शाम तक या कल शाम तक गाड़ियाँ चल पड़े, क्योंकि कल तक तो ये आधा रोड रेडी हो गया था, आज पूरा रोड रेडी हो गया है। आप देख सकते हो जो रेड सा ये रखा है यहाँ पर रुकने के लिए गाड़ियों को, तो इससे आगे भी नहीं जा सकते। तो इससे आगे भी मलबा भर दिया गया है ट्रकों के द्वारा, तो ये शायद लगभग शाम तक तैयार हो ही जाएगा आज तो। और थोड़ा सा मौसम आज फिर से ख़राब है, एक दो दिन थोड़ा भैदर में भी मौसम ख़राब बताया जा रहा है। तो ज़्यादा मौसम ख़राब होगा तो आप नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि नदी का रंग अभी भी काला है, फ्लो कभी भी वाटर का बढ़ सकता है। बाकी जितनी भी कुल्लू मनाली की लोकल बसें जा रही है राइट बैंक की, वो रायसन से जा रही है। बाकी जो लेफ्ट बैंक वाली बसें हैं मनाली कुल्लू नगर रोड होकर, वो कुल्लू से डायरेक्ट जा रही है मनाली की ओर, तो आप मनाली विजिट कुल्लू से डायरेक्ट कर सकते हो। रोड सभी ओपन है। बाकी बहुत सारे लोग जाना चाहते थे कसोल का रोड, कसोल का रोड मणिकर्ण कसोल का रोड ओके है बरछाणी तक, आप मणिकर्ण कसोल विजिट कर सकते हो। खाली वहाँ पर रोड डैमेज हुआ है तो वो मलाना में हुआ है, मलाना साइड आप ट्रैवलिंग ना करें फिलहाल, क्योंकि उस साइड रोड अभी डैमेज है पूरा। और नदी नालों से थोड़ा दूर रहे, ऐसा नहीं सेल्फी के चक्कर में, वीडियो के चक्कर में आप नदी के पास जाएँ और मौसम ख़राब है, पानी का फ्लो बढ़ गया तो आप नदी के साथ बह भी सकते हो। बाकी अभी हम थोड़ा पीछे जाएंगे जहाँ पर वॉल्वो खड़ी हुई है, चलते हैं पीछे बिनु भाई वॉल्वो के पास, जहाँ से हम अभी पिकअप करेंगे गेस्टों का। वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिलेगी 500 ईच, 500 रुपये पर पर्सन आपको टैक्सी मिलेगी मनाली के लिए। बाकी लोकल बसेस भी जा रही है, लोकल बसेस में भी आप जा सकते हो। अगर आप यहाँ आ रहे हो मनाली घूमने तो हमें कॉन्टैक्ट करें पहले से, ताकि आपको परेशानी ना झेलनी पड़े, एडवांस में अपनी बुकिंग करें शेयरिंग टैक्सी की। तो अभी हम जा रहे हैं पीछे, तो मेजर प्रॉब्लम चंडीगढ़ मनाली हाईवे में यही वाली है, जो कि सोल्ड आउट हो चुकी है आज, आज तो हो ही चुकी है। सिंगल वे रोड तो क्लियर हो ही गया दोस्तों, कल से शायद यहाँ से गाड़ियाँ भी छोड़ दी जाए, क्या पता वॉल्वो भी डायरेक्ट मनाली पहुँच जाए। और यहाँ से ये जो बसेस है ये सारी लोकल रूट की बसें हैं, जो मनाली से चलती थी फिलहाल अभी यहाँ से चल रही है, क्योंकि यहाँ से आगे रोड बंद है, यहाँ से आगे भी रोड बंद है, तो यहाँ से आगे लोगों को पैदल उस साइड जाना पड़ रहा है, उस साइड भी गाड़ियाँ हैं। बाकी एक जगह और क्लाथ के पास रोड डैमेज था, वहाँ पे भी कार्य चला हुआ है, वो भी रेडी है, खाली यही रहा था रायसन वाला पॉइंट। बाकी इस रोड पे कहीं भी दिक्कत नहीं है, मंडी में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी पर रोड अभी ओपन है तो आप आ सकते हो। जिसका भी टूर प्लान कन्फर्म टूर प्लान था, टिकट बुक थी, जो भी हमारे से पूछ रहे थे भैया अब क्या होगा हमारा, तो आप आराम से आ सकते हो, हर जगह घूम सकते हो, सभी प्लेसेस ओपन है। नॉर्मली 30-40 वॉल्वो भी मनाली आ रही है रायसन तक, और यहाँ पे देख सकते हो सुबह जो सबसे पहले वॉल्वो आई है, लक्ष्मी हॉलीडे, इंटरसिटी, डेल्टेन, सभी बसें यहाँ पर खड़ी हुई है। आगे तक आप देखेंगे तो वॉल्वो ही वॉल्वो यहाँ पर लगी हुई है रायसन में। बाकी यहाँ पर सभी टैक्सी वाले भाई भी, जिन जिन का बुकिंग है, वो अपने टूर को पिकअप करने के लिए पहुँचे हुए हैं, तो आप भी आ रहे हैं बिना बुकिंग के तो आप हमारे से बुकिंग ले सकते हो, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको घुमाएँगे। अगर आपको स्पीति ले लद्दाख जाना है, लाहौल स्पीति जाना है 4x4 गाड़ी में, तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर करें, आपके भाई के पास जिमनी है, आपको पूरा टूर जिमनी से घुमाएंगे। ये सभी बसेस अभी खाली हुई है यहाँ पर, बहुत सारी बसेस, नॉर्मली सुबह बसेस स्टार्ट हो जाती है और 2-2.5 बजे तक दिल्ली चंडीगढ़ की जितनी भी वॉल्वो होती है सभी वॉल्वो आती है। उसके बाद शाम को 3-4 बजे के बाद आप वापस जा सकते हो। अगर आप मनाली में हो और
दिल्ली चंडीगढ़ वापस जाना चाहते हो तो आपको यहीं तक आना पड़ेगा मनाली से। मनाली से आपको 30 किलोमीटर नीचे रायसन प्लेस पे आना पड़ेगा, जहाँ पर ये सारी वॉल्वो खड़ी हुई है। तो यहाँ से आप वॉल्वो ले सकते हो। और यहाँ तक आने के लिए आपके पास एकमात्र रास्ता है नगर होकर, जहाँ से आप आओगे, और टैक्सी करके आना पड़ेगा, या तो गाड़ी करके आना पड़ेगा, या तो आपको बसेस में आना पड़ेगा। देखते हो बहुत सारे लोग पहुँचे हुए यहाँ पे। तो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ, जिसकी वजह से पार्किंग नहीं मिल रही थी। बिन्नू भाई ने देखो खतरनाक वाली पार्किंग कर दी अपनी 8611 क्योंकि यहाँ पर चलान भी हो रहे हैं। अगर व्हाइट पट्टी के बाहर आप गाड़ी लगा रहे हो मनाली में कहीं पे भी, तो आपका चलान हो सकता है। बाकी आपका फेक चलान हुआ है तो आप क्लेम करें, जैसा मेरे साथ हुआ था कुछ दिन पहले। तो मैं तो उस चलान को नहीं भरने वाला हूँ। उस चलान वाली वीडियो को मैं यूट्यूब पर डालूँगा, उसे भी आप देखें किस तरह का मेरा फेक चलान हुआ है। शायद जिसने किया उसने गलत किया है, गलत तरीके से किया हुआ है, जबकि मेरी गाड़ी उस साइड गई नहीं थी मणिकर्ण रोड पे 17 तारीख को। तो विध प्रूफ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। बाकी सभी यहाँ पर गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, इनकी गाड़ी आ रही होगी। बहुत सारे लोग कसोल जाना चाहते हैं, कसोल के लिए मैसेज कर दे, कसोल रोड अपडेट दीजिए। कसोल का रोड बिल्कुल ओके है, फाइन है, गाड़ियाँ जा रही है। अब आप भी कसोल जा सकते हो, खाली मलाना नहीं जा सकते। मलाना का रोड टूटा हुआ है, आपको पता ही, मलाना में बहुत ही भयानक त्रासदी हुई है, बहुत सारे घर बह गए वहाँ पे। तो बहुत दुखद खबर है वहाँ की, ये तो क्या ही बोले दोस्तों, कि बहुत सारे डैमेज हो गए, बहुत सारे अभी लापता भी है वहाँ से। तो आप जाना चाहते हो तो कसोल जा सकते हो, बरसैनी आप जा सकते हो। बाकी अगर रिवर फिर से बढ़ती है तो फिर आप ट्रैवलिंग ना करें। रिवर का साउंड आप सुन सकते हो, बहुत ही भयानक है, अभी भी फ्लो काफ़ी है पानी का। बाकी आज तो गर्मी है, मौसम भी अच्छा है, उतने भी घने बादल नहीं है, शायद आज तो बारिश होगी भी नहीं। अभी जितनी भी गाड़ियां, बसें, ट्रक जा रहे हैं मनाली ले लद्दाख स्पीति की तरफ, वो इधर से टर्न हो रहे हैं राइट की ओर। आप देख ही रहे होंगे यहीं से सारी गाड़ियां टर्न हो रही है, और कुल्लू नगर रोड होकर जा रही है, ये नगर रोड होकर ट्रक भी आ गया। जितनी भी ले लद्दाख के लिए सप्लाई जा रही है, जितने भी बसेस जा रही है, जितनी भी टैक्सियां जा रही है, वो अभी डायरेक्ट चंडीगढ़ मनाली हाईवे पे नहीं जा रही है, यहाँ से राइट लेकर यहाँ से जा रही है नगर होकर। इस बड़े से पुल ने पिछले साल भी जान बचाई थी, इस साल भी सभी की जान बचा रहा है, सभी को सहारा देने वाला एकमात्र ब्रिज है बना हुआ है। और इस ब्रिज के द्वारा ही कुल्लू के देखो सब्जी मंडी से गाड़ी आ गई, सब्जी मंडी को, सब्जी मंडियों का माल जा रहा है, फ्रूट जा रहे हैं। नहीं तो अगर ये पुल नहीं होता तो जो हमारा सब्जी मंडी को आजकल फ्रूट जाता है, नाशपति, पलम, वो सभी डैमेज हो जाता, ख़राब हो जाता। अगर रोड बंद होते तो पेड़ों में ही सड़ जाता दोस्तों, खाने को नसीब ही नहीं होता, फसल वेस्ट हो जाती। तो ज़्यादा बारिश भी बहुत ही नुकसानदायक होती है, थोड़ी बहुत बारिश हो तो किसान के लिए अच्छी होती है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो किसान के लिए दुविधा भी उत्पन्न कर देती है दोस्तों, जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। बाकी अभी बिल्कुल ओके है, सब कुछ ओके है, फेक न्यूज़ के चक्कर में ना पड़े। बाकी डेली डेली का अपडेट इसी चैनल पे आपको मिलता रहेगा, बदरी डायरीज यूट्यूब चैनल पे, मनाली का, वेदर का। तो फेक न्यूज़ के झांसे में ना आए, बहुत सारे फेक न्यूज़ वाले, फेक चैनल वाले जो आपको मनाली में आकर लाइव अपडेट नहीं देते, वो खाली किसी की वीडियो उठाकर, ओल्ड वीडियो उठाकर डालते रहते हैं, तो उन वीडियो से आप दूर रहे। बाकी आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो, जिससे हमें हौसला मिलता रहे और आपको डेली डेली का अपडेट मिलता रहे मनाली आने से पहले, और मनाली आकर आपको कोई भी दुविधाएं झेलनी ना पड़े। इस पुल की किस्मत इतनी अच्छी रही, जैसे ही ये तैयार हो गया था, इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था दोस्तों, और हम इसका कार्य देखने रोज़ आते थे यहाँ पर, क्योंकि हमारा खेत भी है यहाँ पर साथ में, ये पलम का बगीचा दिख रहा आपको, यहाँ पर हमारा खेत है, तो हम डेली डेली यहाँ आते थे काम देखने। तो जैसे ये तैयार ही हुआ था, इसका उद्घाटन नहीं हुआ था, जो अभी परे वाला रोड पे तारकोल बीच गया, इस पे ये पूरा कच्चा था, वैसे ही एकदम से बाढ़ आ गई, और जो आप सामने वाला रोड देख रहे हो मनाली चंडीगढ़ हाईवे, तो ये क्लोज हो गया था, पूरी तरह डैमेज हो गया था। एकमात्र रास्ता यही नगर वाला ओपन पिछली साल भी था, और इस साल भी यही सेफ है। अब तो जो नगर वाला रास्ता है वो भी हाईवे बनने वाला है, जिससे जाम प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जाम बिल्कुल भी नहीं रहेगा।
फिर तो जाम का दिक्कत ही सारा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और वो वाला रोड पूरा सेफ भी है क्योंकि वो बहुत हाइट पे है, देख रहे हो आप इतनी हाइट पे जाता है वो। जो मनाली चंडीगढ़ हाईवे है वो तो बिल्कुल रिवर के साथ है, इसलिए बार बार रिवर का फ्लो जैसे ही बढ़ता है रिवर रोड पे चढ़ जाती है और कहीं कहीं पे रोड टूट भी जाती है। इसी के साथ कल फिर से मिलेंगे आपके साथ एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव दोस्तों।